लॉकडाउन के चलते सुजानपुर के एक व्यक्ति से दो बार जिला पुलिस ने अवैध शराब बरामद की है। दोनों बार पुलिस ने कार्रवाई करके मामला दर्ज किया है। करीब दो सप्ताह पहले थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री की अगुवाई में ये कार्रवाई हुई थी। वहीं अब की बार डीएसपी हमीरपुर ने उसी व्यक्ति से उसके गोदाम पर रेड मारकर शराब बरामद की है। डीएसपी हमीरपुर रेणु शर्मा ने बताया कि सुजानपुर के पार्षद के यहाँ आज प्रातः ये कार्रवाई हुई, जिसमें उसके घर के भीतर से करीब 7 पेटी देसी दारू बरामद की है। अवैध शराब स्टोर करने व बेचने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड 19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड 19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए मेरा सभी भारतवासियों से और सभी राज्यों के निवासियों से ये नम्र निवेदन है कि इस समय हमें अपने अपने राज्य सरकारों का व भारत सरकार का तन, मन, धन, वचन और कर्म से साथ देना चाहिए। तन से आप अपने आप को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें। मन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी धर्म के लोग हमारे हिंदुस्तान में हैं वे अपने अपने इष्टों से ये प्रार्थना करें कि इस वैश्विक बीमारी से हम जल्द से जल्द निजात पा सकें। वचन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस बात का वचन लें कि जो भी राज्य सरकार या भारत सरकार हम सब लोगों की बेहतरी के लिए दिशा निर्देश दे रही है उनका हम पालन करें। धन से हम लोग राज्य सरकारों की और भारत सरकार की मदद करें ताकि वे दवाइयाँ आदि सामान खरीद सकें। और कर्म से मैं उन सभी कर्मवीरों को कहना चाहता हूँ कि वो रात दिन सेवा करते रहें ताकि हम इस बीमारी से जल्द निजात पा सकें। इसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद भी करता हूँ।